सभी साथियों को नमस्कार। सहमति बनी है कि आपकी मांगों को जल्द ही अपर मुख्य सचिव से और शिक्षा मंत्री जी से तक रखा जाएगा। हम सब जल्द जीतेंगे और सभी साथियों निवेदन है कि धरना स्थल पर जरूर संख्याएं बनाए रहें। 3 दिन के अंदर कुछ जरूर सार्थक और सफल होगा, हम जरूर जीतेंगे क्योंकि आज मुलाकात हो गई है, निर्णायक लड़ाई हुई, सरकार तक बात पहुंची है, कहीं ना कहीं हम सब जीत रहे हैं और ये लड़ाई किसी अकेले की नहीं है। सभी साथी धरने बना रहे हैं। आज वार्ता हुआ डीजी महोदय नामका सिंह जी से दोबारा, जहां पर बखूबी दबाव बनाया गया और रखा गया। इस बार प्रभाव पड़ा सरकार के पास और उन्होंने भी गंभीरता से लिया। उन्होंने बोला है कि जल्द ही हम सब इस पर आपकी बात शासन स्तर पर रखेंगे और 51,112 प्लस 17,000 और प्लस रिटायरमेंट पर कुछ चर्चा करना पड़ेगा, तभी कुछ हम बता पाएंगे। बाकी आपको 2-3 दिन 4 दिन के अंदर कुछ ज़रूर सार्थक और सफल चीज़ सुनाई देगा। सभी साथियों निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम सब सचिवालय से, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से निकल रहे हैं मुलाकात करके। ये लड़ाई किसी रजत सिंह अकेले की नहीं है, ये लड़ाई मेरे साथियों की नहीं है, ये लड़ाई सबकी है और हमको जीतना है। जितने भी हमारे साथी गए थे बखूबी बातों को रखे। निवेदन है कि सभी साथी अधिक संख्या में पहुँचें धरना स्थल पर और इसी तरह जीतेंगे। काफ़ी क्राउड है यहाँ पर, काफ़ी प्रदर्शन भी चल रहे हैं लग रहा है। हमारे सभी संघर्षशील साथी जितनी अच्छी तरीके से बात को रखा, काफ़ी अच्छा था। रोहित जी भी 5 सदस्यीय टीम में गए थे, क्या कहना चाहेंगे रोहित जी, क्या हुआ वार्ता का? सर नमस्कार साथियों, जैसा हम सभी लोग विधानसभा में आए और उसी क्रम में हम सभी ने बात अपनी अपनी रखी है। हमारी बहन भी साथ में थी, रजत जी भी साथ में थे और 5 सदस्यीय टीम थी, जिसमें हम सभी ने बस एक ही मांग रखी। हमारी मांग 97,000 की है और जो कि चुनाव के पहले आचार संहिता लगने से पहले उसको पूरा किया जाए, उसकी विज्ञप्ति जारी किया जाए, जिससे कि हम लोग सड़कों पे ना टहलें और अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर हों। और जैसे हम लोग 3 साल से लगातार बेरोजगार हैं तो उसके लिए 17,000 से काम चलने वाला नहीं है, उसके लिए 97,000 ही ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि 17,000 में क्यों, तुमको एक सीट से मतलब है। तो हम सभी ने उनको बताया मैडम एक सीट से तो हमें मतलब है, लेकिन जब 2017 बैच, 18 बैच, 20 में 3-4 दिन में क्वालिटी हो जाएगा, 1000 सीट का मतलब है 70,000 लेकिन 97,000 की मांग को करने आए हैं। उसी क्रम में मैडम जी ने भी हम लोगों के पास से संतुष्ट होकर ये कहा कि अभी हम प्रमुख सचिव जी से हम चल रहे हैं मुलाकात करने, उसी क्रम में आप लोगों की बातों को रखेंगे और पूरी कोशिश यही रहेगी कि आचार संहिता लगने के पहले 97,000 की वैकेंसी जल्द से जल्द। इसी क्रम में हमारे संघर्ष के साथी राम याज्ञिक जी उपस्थित हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष जी, आप अपनी बात बताइए, क्या हुआ मीटिंग? इतना कहूँगा कि जो लड़ाई हमने आज 25 दिन से शुरू की थी और हमारा धरना 22 दिन से चल रहा है, जो सकारात्मक दिशा में पहुँचे, इतना आप जान लें, यानी कि वो कब तक पहुँचेगी और उन चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि सर ये मुख्य बिंदु है इसमें कि प्रतिवर्ष के शिक्षकों का रिटायरमेंट, सूबेदार बनाम का हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया 112, 17,000 स्वयं मुख्यमंत्री सॉरी शिक्षा मंत्री जी कहे कि उन पदों पर जो भी भर्ती हो या जितने पदों पर भर्ती निकाली जा सकती है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए बजट हर चीज़ देखी जाती है, उनका कहना साफ है, यानी इन चीज़ों का आप समझें जितना भी होगा वो आपको बताया जाएगा। यानी कि कुछ भी स्पष्ट नहीं बताई है, इस पर बता भी इतना समझिए, जो भी क्लियर होगा वो 2 से 3 दिन या 4 दिन में बिल्कुल अस्पष्ट तौर पर आपको समझ आ जाएगा। हम लोग भी मैम से मिलने गए तो मैम ने यही बोला है कि हम लोग यही बोले कि मैम जो मतलब बोल रही थी कि 17-97 हज़ार आप किस बिहाफ पे मांग रहे, तो हम लोग यही बोले कि मैम जो भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारा हलफनामा दिया था कि 51,112 पद खाली हैं और 17,000 जो अभी जारी करने की मांग कही गई है, तो हम लोगों ने यही बोला कि मैम कम से कम उतनों को ही जोड़ के हमारी जितनी भी 3 साल से वैकेंसी आई, कभी 68,000 आई, कभी 69,000 आई, सिर्फ किसी बार मैम 17,000 क्यों? हमारा 21 लाख लोगों का प्रशिक्षु है जो भी, तो उतने में क्या हो पाएगा? उसमें शिक्षाविद भी अगर 17,000 में शिक्षा मित्र को भी शामिल कर लिया जाता है तो मैम ने पूरा सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि हम अपर सचिव से बात करेंगे और 2-3 दिन में जो भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा, वो भी उन्होंने लेकिन सकारात्मक आश्वासन ही दिया है। धन्यवाद। बस साथियों, जो संघर्ष के लिए हम सब प्रयागराज सरजमी से निकला गया था लखनऊ में, कहीं ना कहीं हमारा सबका संघर्ष सफल हो रहा है। अब ये 17,000 का आंकड़ा जरूर बढ़ेगा और ज़रूर हम सबकी लड़ाई का जो सार्थक हल है वो निकलेगा। 4 दिन का और समय है, 4 दिन का समय शासन स्तर के में बता दिया गया है। 4 दिन के अंदर जरूर कुछ सफल कंफर्म है आपकी भर्ती, और बाकी रिटायरमेंट वाले भी जुड़ने के आसार हैं। बाकी जैसा भी होगा 4 दिन में आप सबके सामने जरूर पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब संघर्ष में बनाए रखेंगे, क्योंकि सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री जी कब पलट जाएँ, शासन स्तर के अधिकारी कब पलट जाएँ। हमें इसी तरीके से अनवरत धरने पर बैठना है लगातार, जब तक लिखित रूप से विज्ञापन नहीं जारी हो जाता साथियों, तब तक हमें धरना स्थल से नहीं उठना है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं लड़ाई हम जीत रहे हैं। ये 22 दिन 25 दिन का अनवरत धरना कहीं ना कहीं एक सफल और सही दिशा में लेके जा रहा है। शासन स्तर के अधिकारी आज दबाव में हैं। आज उनके मुख से सुनने को मिला कि चलो हम इस चीज़ों पर जानते हैं, लेकिन इस तरीके से आप विधानसभा में ये सब जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सब मत करिए, ये है वो, धमकियाँ भी प्रशासन द्वारा मिला, लेकिन उस चीज़ का डर नहीं है। हमें इस चीज़ का डर रहता है कि आप सब बस साथ मत छोड़ के जाइएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आज की जो वार्ता हुई है अनामिका मैम से, वह पूरी यहाँ पर विस्तार की गई। जो भी विभिन्न सदस्य यहाँ पर मिलने गए थे, टीम मेंबर्स गए थे, उनकी तरफ से सभी चीज़ें स्पष्ट तौर पर बताई गई। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 3 से 4 दिन अगर लगातार लखनऊ इको गार्डन में अभ्यर्थियों की संख्या 5 से 10 हज़ार के बीच ऐसे ही बनी रही, तो आप मान के चलें 17,000 की जगह कम से कम इसमें 51,112 पदों को जोड़कर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है एक बार फिर से की जाएगी। साथ में ये भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और आला जो भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, और उनसे भी इस चीज़ को बात रखी जाएगी। साथ में जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके पदों को भी जोड़कर इसमें एक बड़ी भर्ती की घोषणा की जाएगी। तो अच्छी अपडेट है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि रिटायरमेंट के पदों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है, और उसी क्रम में अनामिका मैम ने ये बातें यहाँ पर कही हैं कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। 3 से 4 दिन, तो 3 से 4 दिन आपको संख्या वहाँ पर बनाए रखना है, ताकि जो निर्णायक लड़ाई है वो अंतिम दौर पर पहुंचे और नई शिक्षक भर्ती की, एक बड़ी शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सके। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आगे की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिए।